नमस्कार, मैं हूं शैली और आप देख रहे हैं भोजन शैली। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्रंची बाइट्स की रेसिपी, जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में उतने ही अमेजिंग। और ये ऊपर से फुल क्रंची होते हैं, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और ये बहुत झटपट तैयार हो जाते हैं बनके। इसको आप मीठी चटनी के साथ और खट्टी चटनी के साथ सर्व करिए। और सबसे अच्छी इस रेसिपी की बात यह है कि आप इसको फ्रिज में 3 से 4 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो देर किस बात की, रेसिपी शुरू करते हैं। क्रंची बाइट्स बनाने के लिए सबसे पहले गैस पे एक पैन रखा। अब उसमें 1 टेबलस्पून के बराबर ऑयल डाला और जैसे ही ये ऑयल गर्म होता है, हमको इसमें डालना है 1 मीडियम साइज का प्याज, जिसको मैंने बारीक चॉप कर रखा है, 1 टेबलस्पून गाजर, 2 से 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू, 1 टेबलस्पून के बराबर हरा धनिया और 2 हरी मिर्चें। सबसे पहले ऑयल में प्याज को डाल के हल्का सा उसको फ्राई कर लेते हैं। हमको प्याज का कलर नहीं चेंज करना है। अब इसमें डाली हमने हरी मिर्च और उसको हमने 1 मिनट के लिए भुना। अब इसमें डाली गाजर और गाजर डाल के भी हमने उसको 1 मिनट के लिए भुना। अब हमें इसमें डालना है 1 कप के बराबर पानी और 1 कप के बराबर ही दूध। और जैसे ही इसमें उबाल आएगा, हमको इसमें ऐड करना है 1/2 टीस्पून के बराबर चिली फ्लेक्स। ¼ टीस्पून के बराबर काली मिर्च। अगर आप बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं पसंद करते हैं तो आप काली मिर्च स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमने हरी मिर्च डाली है तो जिसकी वजह से इसमें ठीक मात्रा में स्पाइसेस हो जाते हैं। और अब हम इसमें ऐड करना है नमक स्वादानुसार। देखिए, इस पानी और दूध के मिक्सचर में उबाल आने लग गया है। अब हमको इसमें ऐड करनी है 1 कप सूजी। हमको सूजी जो है धीमे धीमे करके डालनी है, जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े, और इसको लगातार हिलाते जाना है। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी होती है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। अब हमको इसे अच्छे से पकाना है, जिससे कि एक डो जैसी फॉर्म में ये तैयार हो जाए। ये देखिए, पूरी सूजी हमने डाल दी है और इसको हम लगातार हिलाते हुए चला रहे हैं। जब ये पूरा पक जाएगा तो ये इस तरीके से कढ़ाई के कॉर्नर्स को छोड़ने लग जाएगा। ये देखिए, ये बिल्कुल पक चुका है और कढ़ाई के कॉर्नर्स छोड़ दिए हैं। अब इस स्टेज पे हमको गैस का फ्लेम करना है बंद और अपने इस मटेरियल को ठंडा करना है। अब हमको इसको किसी ऐसे थाली वगैरह में हल्का सा घी लगाना है और इसमें अपने इस सूजी के मटेरियल को निकाल लेना है। ऑयल या घी इसलिए लगाते हैं जिससे कि मटेरियल इसमें कम से कम चिपके। अब इसको इस थाली में फैला दिया और इसको ठंडा होने तक वेट किया। हमको इसको पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है, हल्का गुनगुना ही रखना है। और अब इस स्टेज में
हमको इसमें मैश करने हैं 3 आलू, जिसको फोर्क की मदद से अच्छी तरीके से इस गरम गरम मटेरियल में ही मैश कर दीजिए। अब हमने इसमें ऐड किया धनिया पत्ता और अच्छी तरीके से पूरे मटेरियल में उसे मिक्स कर दिया। अब इसको हाथ लगा के देखिए, ये हल्का सा गुनगुना है, तो हमको इसको मसलते हुए ऐसे गूंदना है और थोड़ा सा ऑयल हाथ में लगा ले परात में और इसको अच्छी तरीके से मसलते हुए इसका एक बहुत ही स्मूथ सा डो तैयार करना है। अब हमको इसमें से छोटे छोटे ऐसे बाइट्स बनाने हैं। आप चाहें तो आप हाथ से ऐसे बना सकते हैं। या फिर एक चॉपिंग बोर्ड लें, उसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएं, अच्छी तरीके से उसे ग्रीस करें और ये मटेरियल हाथ में लेके उसको ऐसे पतला पतला हाथ से रोल करते हुए इसका एक लंबा सा लॉग बना लें और उसमें से फिर छोटे छोटे सेक्शन काटते जाएं। इससे क्या होगा, हमारे बाइट्स जो हैं जल्दी बनेंगे और इवन बन जाते हैं। चाकू से ऐसे छोटे छोटे से पीसेस काटिए। और उसके एजेस को ऐसे स्मूथ करते चले जाइए। इसी तरीके से हमको सारे ये बाइट्स जो हैं अपने तैयार करने हैं। देखिए हमारे सारे बाइट्स बनके बिल्कुल रेडी हैं। अगर आप इन बाइट्स को स्टोर करना चाहते हैं तो ऐसे कोई भी एयर टाइट डब्बा लें और इसमें बाइट्स को रखें और फ्रिज में रख दें। आप फ्रिज में रख करके बाइट्स को कम से कम 2-3 दिन तक यूज कर सकते हैं। आप गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाएं और उसमें ऑयल डालें और इसको मीडियम हॉट होने तक गर्म करें। एक छोटी सी बॉल डाल के देखें। देखिए ऐसे हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं। हमको तेल जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अगर हम बहुत ज़्यादा गर्म तेल में डालेंगे तो हमारे बाइट्स जो हैं वो जल जाएंगे। हमको ऐसे मीडियम हॉट ऑयल तैयार करना है। अब हमने अपने क्रंची बाइट्स कढ़ाई में डाल दिए हैं और उसको गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हम कढ़ाई में ये बाइट्स डालें तो हमको तुरंत जो है उसमें कोई भी कर्छली नहीं मारनी है। उसको 1 मिनट के लिए सटल होने देना है, क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं तो जैसे ही आप तुरंत कर्छली मारेंगे तो ये कई बार फैल जाते हैं। अब इस तरीके से किसी स्पैचुला की मदद से इसको उलटते पलटते हुए हमको गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप इन बाइट्स को एयर फ्राई भी कर सकते हैं। तो उसमें आपको 200 डिग्री पर इसको 10 मिनट के लिए एयर फ्राई करना है, तो ये क्रंची बाइट्स बिल्कुल बढ़िया तैयार हो जाते हैं। तीन से चार मिनट तक इसको कढ़ाई में तलने के बाद ये क्रंची बाइट्स हमारे बिल्कुल रेडी हैं और हमने इनको निकाल लिया है। अब ये देखिए हमारे क्रिस्पी क्रंची बाइट्स एकदम रेडी हैं। इसको आप खट्टी चटनी और मीठी चटनी के साथ सर्व करें। ये खाने में बहुत ही अमेजिंग होते हैं और बनाने में उतने ही आसान होते हैं। ये देखिए अंदर से कितने सॉफ्ट हैं ये और पूरे क्रंची हैं। तो ये जल्दी से बनने वाली क्विक रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। और अगर ये रेसिपी आपको बना के पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगली रेसिपी तक गुड बाय।